हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैंने एक लेक्चर दिया था हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, J&K की जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक लेक्चर दिया था मैंने। वो छठवां लेक्चर था हमारी सीरीज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले इवन बिफोर दिस वीडियो आप वो लेक्चर जाके देखिए, ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो वाली वीडियो डिलीट करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे सर कि वो वीडियो आप डिलीट क्यों कर रहे हो, बिकॉज यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और हम एज ए इंस्टीट्यूट कभी भी उसको वॉयलेट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत जाके उस वीडियो को देख लीजिए पहले, ठीक है, उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का सिलेबस का कोई भी पार्ट छूट जाए। और बाय चांस अगर आप ये वीडियो 5 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपका ये पार्ट छूट गया है तो मैं सारा सिलेबस जैसे ही ख़त्म कर दूंगा मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये है J&K के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज इसमें हम J&K के करंट अफेयर्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम मेजर नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंस अ डील टू एक्वायर R-27 मिसाइल्स फ्रॉम। भारत R-27 मिसाइल्स कौन से देश से ले रहा है। Who replaces सुभाष चंद्र गर्ग as a new finance secretary? सुभाष चंद्र गर्ग की जगह हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं। Who has been suspended by the board of control for cricket in India for 8 months for a doping violation? BCCI ने किस क्रिकेटर को बैन किया है 8 महीने के लिए फॉर डोपिंग वायलेशन। ओके, तो भारत R-27 मिसाइल्स किस देश से ले रहा है। भारत R-27 मिसाइल्स ले रहा है रशिया से, ठीक है। सुभाष चंद्र गर्ग की जगह हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। और सुभाष चंद्र गर्ग हमारे सेक्रेटरी बने हैं ऑफ पावर, ठीक है, सेक्रेटरी बने हैं ये किसके, ऑफ पावर के। नेक्स्ट है, BCCI ने किसको सस्पेंड किया 8 महीने के लिए। तो ये हैं हमारे फेमस पृथ्वी शॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4th है, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, दैट इज़ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो BSF के नए हेड, नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। 5th क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑन। WHO वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व करता है। 6th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू हेड IMF, IMF की पहली महिला हेड कौन थी। ओके, तो नए हेड जो बने हैं हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो हैं वी के जौहरी। हेपेटाइटिस डे हम मनाते हैं 28 जुलाई को, और IMF की जो हेड थे वुमेन वो थे क्रिस्टीन लेगार्डे, और इन्होंने अभी अभी ही जुलाई के महीने में ही रेजिग्नेशन दे दिया है IMF से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हैंड इन हैंड इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। 8th क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज USA क्रिकेट टीम्स इंटरिम कोच। तो USA की क्रिकेट टीम के कौन कोच अपॉइंट किए गए हैं। 9th क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में। हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत के बीच में और चाइना के बीच में, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो किन दो देश के बीच में होती है, ठीक है। हैंड इन हैंड इस बार कहाँ हुई थी। हैंड इन हैंड इस बार हुई थी
मेघालय में, ठीक है। यूएसए के क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? यूएसए की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं किरण मोरे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर नए कौन बने हैं? तो ये बने हैं कालराज मिश्रा, कालराज मिश्रा अब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। और यहाँ के पहले जो गवर्नर थे वो थे आचार्य देवव्रत, ठीक है, जो कि अब बन गए हैं गुजरात के, अब बन गए हैं वो गुजरात के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टेंथ क्वेश्चन अब हमारे पास है कि नेम टीम इंडियाज न्यू स्पॉन्सर, भारतीय टीम के नए स्पॉन्सर कौन बने हैं? हु वॉज फाइंड ₹100 crore फॉर इलीगल कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग के लिए 100 crore का फाइन कौन सी स्टेट पर लगाया गया है? बोनालू इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द स्टेट ऑफ, बोनालू एक फेस्टिवल है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो हर साल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। 13th क्वेश्चन है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम हंड्रेड्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार 100 बनाने वाला कौन सा प्लेयर है? और ये लेटेस्ट है, अभी अभी बने हैं, इसी वर्ल्ड कप में बने हैं। अब हम इन चार के आंसर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था कि भारतीय टीम जो है क्रिकेट टीम उसके नए स्पॉन्सर कौन बने हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए स्पॉन्सर बने हैं बायजूस, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है ओप्पो को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट पे 100 crore का फाइन लगाया गया था कोल माइनिंग के लिए, तो यह है मेघालय। और ये लगाया था किसने? एनजीटी ने। एनजीटी के हेड कौन है हमारे? आदर्श कुमार गोयल हेड है, आदर्श कुमार गोयल हेड है, ठीक है। ट्वेल्थ है कि बोनालू इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द स्टेट ऑफ, बोनालू किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो ये है तेलंगाना का फेस्टिवल, ठीक है। ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? तेलंगाना का फेस्टिवल है। सबसे ज़्यादा बार 100 कौन से प्लेयर ने बनाए हैं एक ही वर्ल्ड कप में, तो ये है रोहित शर्मा, और ये इस बार ही बनाए थे इन्होंने। और आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इन्होंने कितने हंड्रेड्स बनाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th, रायतू बंधु इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, रायतू बंधु कौन सी स्टेट की स्कीम है? वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड मिल्क डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? निशान इजुद्दीन, ये एक ऑनर है, ये प्रधानमंत्री मोदी को कौन सी कंट्री ने दिया था? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन सा इंटरिम चीफ अपॉइंट किया है J&K बैंक के लिए? ओके, तो इन चार क्वेश्चनों में से तीन का आंसर हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एक का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ठीक है। 17th क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसको पक्का अटेम्प्ट करना आप, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, और ये अभी भी न्यूज़ में बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब है रायतू बंधु इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, तो रायतू बंधु कहाँ की स्कीम है? ये तेलंगाना की स्कीम है, ठीक है। और एक और स्कीम है जिसका नाम है रायतू भरोसा, ठीक है, रायतू भरोसा, ये किसकी है? ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश की स्कीम। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 1st of July को सेलिब्रेट किया जाता है। निशान इजुद्दीन, ये ऑनर दिया था प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स ने, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18th, हु इज आर इंटरिम CVC विजिलेंस कमिश्नर, तो हमारे नए CVC विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? BCCI has formally appointed whom as a National Cricket Academy's head of cricket. Question number 20th, 35% of India's total graphite reserves are found in. अब जल्दी से इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम J&K के करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो 18th क्वेश्चन का आंसर है, हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर जो इंटरीम विजिलेंस कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं शरद कुमार, ठीक है। जो नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड ऑफ क्रिकेट बनाए गए हैं वो है राहुल द्राविड़। एंड लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 35% ऑफ इंडियाज टोटल ग्रेफाइट वॉज फाउंड इन, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 35% जो पाया गया है, हम भारत का टोटल 35% हिस्सा जो है ग्रेफाइट का वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे J&K के करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है JKSSB की एग्ज़ाम्स के लिए।
सबसे पहला है द यूनियन कैबिनेट ऑन डैश अप्रूव्ड अ बिल टू प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन टू जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जॉब्स. तो जो EWS कोटा था वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है. और ये लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 31 जुलाई 2019 को. ठीक है, तो अब जो लोग EWS कैटेगरी में आते हैं वो जाके इसका फॉर्म इशू करवा के इसके तहत कैटेगरी में आगे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं EWS कैटेगरी के ऊपर कि आपको कैसे उस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है J&K में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा आपके लिए. ओके, तो वापस आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि हु लॉन्च इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मानस. तो मानस एक्चुअली एक प्रोग्राम था, एक स्कीम थी जो यहाँ के लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बिल्ड करने के लिए थी. तो ये लॉन्च की थी नजमा हब्तुल्ला ने. क्वेश्चन नंबर थर्ड, जम्मू बॉर्न पोएट डैश गेट्स सरस्वती सम्मान. तो सरस्वती सम्मान मिला था पद्मा सचदेव को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू के पोएट हैं, जम्मू के रहने वाले हैं और इनको मिला है सरस्वती सम्मान जो कि नेशनल लेवल का सम्मान है. बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत वाली बात है इनके लिए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एनलाइटमेंट स्कीम हाउ मच एडिशनल kg ऑफ राशन विल बी गिवन टू अ पर्सन. एक्चुअली ये स्कीम है, पहले ही 5 किलो दिए जा रहे थे लेकिन इस स्कीम के तहत अब 5 किलो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. ठीक है, स्कीम का क्या नाम है इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एनलाइटमेंट स्कीम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप टू बी बिल्ड कॉल्ड डैश प्रोजेक्ट सेटअप एट हेनले इन लद्दाख. यहाँ पे जो हेनले जगह है लद्दाख में, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है. लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनना था, ठीक है, हेनले में, इसका नाम क्या था? इसका नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप, इसको हम TMT भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर्मर भारतीय जनसंघ प्रेसिडेंट डाइड एट द एज ऑफ 96. ही वॉज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ RSS इन 1942 एंड पॉलिटिकली एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भारतीय जनसंघ जिसे हम अब भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, उनके ये प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, और ये इन्हीं की वजह से बेसिकली BJP की फाउंडेशन स्टोन लगा था J&K में. तो ये कौन है? ये है बालराज मधोक. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, J&K फर्स्ट सीड प्रोसेसिंग यूनिट टू कम अप एट. तो जो J&K है उसका पहला सीड प्रोसेसिंग यूनिट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा है? तो ये लगा है कठुआ में. क्वेश्चन नंबर एट, हु वॉज द कमिटी हेड टू फाइंड द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू पैलेट गन्स एज पैलेट गन्स कैन बी लीथल टू सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आईज. तो जो पैलेट गन्स थी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थी इंसान की आंखों के लिए या सेंसिटिव पार्ट्स के लिए, तो इनको जो हटाया था उनके लिए एक कमिटी हेड बनाए गए थे. तो कमिटी हेड जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था TVSN प्रसाद. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि नारोपा इज अ फेस्टिवल ऑफ. तो नारोपा बेसिकली लद्दाख का फेस्टिवल है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है स्टेट एग्जाम्स में, तो आता ही है, लेकिन सेंटर के एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, बैंक एंड SSC एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है. नेक्स्ट इज टेंथ क्वेश्चन है कि नेम एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव ऑफ द मिनोरिटीज. तो जो मिनोरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक स्कीम लाई गई थी इंटीग्रेटेड, उसका नाम क्या था ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसका नाम था नई मंजिल. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, तो दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट टू. हमारे साइड बाय साइड JKSSB की भी लेक्चर्स चल रहे हैं, तो अभी तक हमने 9 लेक्चर्स वहाँ पे भी लगा लिए हैं, और जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे अकाउंटेंसी क्योंकि वो 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और साइड बाय साइड अब हम कंप्यूटर भी पकड़ेंगे क्योंकि वो भी 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू.